अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनसीटीसी एंड इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड प्रिपरेशन। आई एम डॉक्टर सैयद मोहम्मद साद, आई एम डीलिंग विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन। एंड प्रायर टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। And as far as the theoretical problems are concerned, we have solved problem number 8, problem number 23, 24 and 25. I think 4 problems we have done. ऐसा ही है, 4 problems किए हैं हमने या और भी कोई problems? बस 4 किए हैं, ठीक है। तो आज हम problem 22 करते हैं, nature of cyclization, ताकि ये हमारा कंप्लीट इस तरह ना, ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे सीक्वेंस में 22 to 25। उसके अलावा हम 8 भी कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है नेचर ऑफ साइक्लाइजेशन। अच्छा, इसको क्वेश्चन ये इतना बड़ा नहीं है, ये हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, वही कहना चाह रहे हैं। बेसिकली ये नेचर ऑफ साइक्लाइजेशन एक नेम्ड रिएक्शन है, नेजरोव इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और इसमें ये होता है कि रिंग क्लोजर होता है, यानी रिंग क्लोज होता है, ठीक है, एक ओपन चेन सिस्टम क्लोज चेन सिस्टम में कन्वर्ट होता है। और जो इसमें होता है ना, बेसिकली वो साइक्लो पेंटेन रिंग बनता है, यानी 5 मेंबर रिंग बनता है, और उसमें अनसेचुरेशन भी होती है, यानी कि साइक्लो पेंटीन हो गया। अच्छा, और साथ में ये बेसिकली ये कार्बोनाइल स्पीशी होती है अमूमन यहाँ पे, तो इस हिसाब से साइक्लोपेंटीनोन यानी 5 मेंबर रिंग जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मौजूद है और एक कार्बोनाइल लगा हुआ है, यानी साइक्लोपेंटीनोन, और वो ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसी जगह है जो अल्फा बीटा पोजिशन है, यानी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है कार्बोनाइल कार्बन के साथ। ये नेचर ऑफ साइक्लाइजेशन में होता है साइक्लोपेंटीनोन फॉर्मेशन, वो अभी हम देखेंगे। इसके अलावा ये एक और कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं, 2 टर्म्स याद रखें, कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन। ये हमने पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़े थे, तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में हमने डी-ज़ाल्डर रिएक्शन पढ़ा था, मुझे याद है। ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है। देखें, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में ना जो 3 मेजर टाइप्स होती हैं, उसमें एक होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो था, जिसमें पेरीसाइक्लिक रिएक्शन था, एक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है, और एक वो आपका सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होती है। इस इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन के अंदर रिंग क्लोज होता है ओपन चेन एनालॉग से। अब जब रिंग क्लोज होगा ना, तो 2 ऑप्शंस हैं, कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन। कॉन रोटेशन का मतलब है सेम रोटेशन, यानी जो 2 ऑर्बिटल्स मैच करने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मैचिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उनकी जो रोटेशन है वो सेम साइड पर, यानी दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं। और डिस रोटेशन का मतलब है अपोजिट, एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा या वाइस वर्सा। अच्छा, अब क्या मतलब, ये तो हर नाम के मतलब होगा। ये कह रहे हैं जैसे ये देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर दोबारा डबल बॉन्ड है, यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर मैं रिंग क्लोज करूं तो यानी ये वाला सी सी के साथ बॉन्ड कर लेगा, और जो बीच का पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है जिसमें से एक पाई बॉन्ड ने सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, तो वी विल गेट द साइक्लोब्यूटीन रिंग। अच्छा, नीचे भी यही हुआ है, अगेन वी गॉट द साइक्लोब्यूटीन रिंग, बट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टीरियोकेमिस्ट्री। अच्छा, हम इसके पूरे डिटेल में नहीं जा रहे कि अगर थर्मल कंट्रोल होगा, मतलब हीट के थ्रू रिएक्शन होता है, तो कॉन्रोटेशन होगी, और अगर इरेडिएशन होती है, फोटो इरेडिएशन, तो डिसरोटेशन होगी। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कॉन रोटेशन के नतीजे में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या बनेगी, और डिस रोटेशन के नतीजे में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या बनेगी। तो आप ये देखिए, जब थर्मली कंट्रोल्ड होगा ये रिएक्शन, यानी कि कॉन रोटेशन होगी, तो दोनों जो ऑर्बिटल्स की जो रोटेशन है वो सिमिलर होगी। अच्छा, अगर सिमिलर होगी तो ये वाला मिथाइल जो है लेफ्ट वाला, ये देखे ना मिथाइल है, अगर हम अज्यूम कर लें कि दोनों क्लॉकवाइज है, तो ये मिथाइल मूव करके टॉप पे आएगा, तो जो दूसरा मिथाइल है वो मूव करके नीचे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर ये मिथाइल अबव है और ये मिथाइल बिलो है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इसकी रोटेशन से
यहाँ पे इस सी के साथ इस सी का जो ऑर्बिटल्स हैं sp2 ऑर्बिटल्स वो आपस में ओवरलैप करेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, डिस रोटेशन में क्या है कि अगर ये लेफ्ट वाला जो sp2 कार्बन है ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो राइट वाला एंटी क्लॉक करेगा, तो इस तरह करने से दोनों मिथाइल सेम फेस पे हो जाएंगे यानी कि सिस हो जाएंगे। अच्छा, अपोजिट भी हो सकते हैं, मतलब ये लेफ्ट वाला क्लॉकवाइज और राइट वाला एंटी क्लॉक है, अगर मैं वाइस वर्सा कर दूं तब भी चलेगा, तब दोनों नीचे हो जाएंगे यानी बिहाइंड द प्लेन हो जाएंगे। और इसमें भी यही हो सकता है कि अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं मैं दोनों का एंटी क्लॉक कर दूं तो ये वाला मिथाइल बिहाइंड हो जाएगा और ये मिथाइल अबव हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, कौन रोटेशन होती क्यों है और डिस रोटेशन होती क्यों, हम सिर्फ इस फैक्ट को लेकर चल रहे हैं। आपकी जो एको प्रॉब्लम्स में है उसमें यही लिखा है कि एडवांस टॉपिक हमें नहीं पढ़ाना है, वरना जो आपका सिलेबस है वो बहुत बढ़ जाएगा, और हो सकता है मैं पढ़ा भी दूं व्हेन यू कम टू द थर्ड कैंप व्हेन वी विल मीट फिजिकली, आई माइट टीच यू एज वेल, अदरवाइज इट इज ओके टू जस्ट नो द फैक्ट दैट अंडर थर्मल कंट्रोल वी हैव द कॉन्ट्रोटेशन, अंडर फोटो रेडिएशन कंट्रोल वी हैव द डिस रोटेशन। ये अब जो मैंने बताया ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो दोबारा कॉन्सेप्ट आएगा, उसी वक्त हम इसको दोबारा देखेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पढ़िए, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, यकीनन ये लुइस एसिड है, कह दिया उन्होंने, अच्छी बात है, ना कहते हम जब भी इसको समझ जाते क्योंकि टाइटेनियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली लुइस एसिड ही होगा। डेट कैन एक्टिवेट द कार्बोनाइल ग्रुप इन वन, ये भी हमें समझ में आ गई थी बात, ठीक है, क्योंकि कार्बोनाइल जो है इसकी जो ऑक्सीजन होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और न्यूक्लियोफिलिक होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो पहला स्टेप यकीनन यही होगा कि जो कार्बोनाइल की ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर से टाइटेनियम का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उधर एंकर करेगी और अपने आप को एक्टिवेट कर लेगी, यानी कार्बोनाइल एक्टिवेट कर लेगा, जिसकी वजह से ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी या यूं कहने मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब देखिए, इसके बाद ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये अगर यहां कोलैप्स करे बीच में, यानी कार्बोनाइल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में, तो ये पाई बॉन्ड यहां मूव कर जाएगा। मैं अब आपको बना के दिखाता हूं क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम इसको ड्रॉ करें। आर यू विथ मी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं बनाता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं पूरा ओरली बताता रहूंगा तो यू मे गेट कंफ्यूज के हो क्या रहा है। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर मुझे बनाना होगा, मैं वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करता हूँ, मैं ये वन बनाता हूँ फिर दोबारा रिज्यूम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर्स ऑफ वन, ये दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए, यानी ये तो वही है जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, ये नीचे भी मैंने इसलिए बना दिया आप कंपेयर करें, दोनों तो एक ही हैं, हालांकि एक्चुअल स्ट्रक्चर ये वाला है, लेकिन बहरहाल ये जरा दिखने में बनाने में आसान है और आगे भी हम इसको यूज करेंगे तो इसलिए मैंने बनाया, क्योंकि ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बनाया हुआ स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, इस टाइप के बनाया हुआ है, इसीलिए मैंने ये नीचे वाला स्ट्रक्चर को बना लिया, वरना ऊपर वाला भी यही। अच्छा, अब जल्दी जल्दी बताइए, टाइटेनियम क्लोराइड जो है वो कार्बोनाइल को एक्टिवेट करेगा, यही बात हुई थी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसा ही होगा ना, TiCl4। अच्छा, चार्जेस भी लगेंगे, चार्जेस टाइटेनियम पे ऑक्सीजन पे सॉरी प्लस चार्ज हो जाएगा, टाइटेनियम पे माइनस चार्ज हो जाएगा, यानी ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन हो जाएगी, ये इसलिए हो रहा है कि कार्बोनाइल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद ये आपको नजर आ रहा है क्लियर? यस सर। अच्छा, इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये यहां मूव करे तो ये पाई बॉन्ड यहां मूव करेगा, तो ये नतीजे में दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और ये कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। बल्कि मुझे सॉरी, मैं इसको अलग से ही दिखाऊं ताकि आप कंपेयर कर सकें, मैं तो मैं उसी में नहीं कर रहा, मैं कंपेयर करने के लिए आपको अलग से दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल है। Excuse me, sir, दूसरा वाला पाई बॉन्ड क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन ये वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है ना, इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ, वो इसलिए कि ये बेंजीन है तो ये डीलोकलाइज भी हो सकता है पाई बॉन्ड पीछे की तरफ बैक साइड, जबकि ये के साथ एल्काइल ग्रुप्स लगे वो पुश करेंगे उसको, डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया, लेकिन वो वाला भी कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिएक्टिव ये वाला ज्यादा होगा लेफ्ट वाला।
अच्छा, अगर ऐसा होता है तो ये प्लस चार्ज आएगा यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा ना? ठीक है, हैव यू गॉट इट? मैं आप एरो बना के दिखाऊं या वो आप समझ ही गए होंगे? ये देखें, ये यू इधर आएगा एट एंड, और ये वाला जो है ये इधर आएगा पैरल। अब देखिए, ये वाला पाई बॉन्ड जो है, यानी ये sp2 कार्बन इधर अटैक करके रिंग क्लोज करेगा, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है sp2, ये इस पे अटैक करेगा। अच्छा, अगर इस पे करेगा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा। अच्छा, हम प्रोडक्ट में देखते हैं कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन की, वो कार्बोनाइल के लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर नहीं है, यानी कि इधर नहीं है, इधर है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये वाला पाई बॉन्ड अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड के साथ कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, सारे डोनेटिंग ग्रुप है और ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। लेकिन ये तो बात थी काइनेटिकली, यानी काइनेटिकली का मतलब होता है जो जिसको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले अटैक करने की, जिसको पहला मौका मिले अटैक करने के लिए, उसको काइनेटिकली कंट्रोल्ड कहते हैं। एक और टर्म होती है, उसको हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कहते हैं। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड में ये होता है कि हम रिएक्टिविटी नहीं देख रहे होते, हम स्टेबिलिटी देख रहे होते हैं। यानी हम बजाय रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी देखने के, हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या मतलब? आप खुद सोचिए कि अगर मैं इसका रिवर्स करूं, मतलब बजाय ये यहां पे कार्बोकैटायन बनाने के, मैं अगर यहां बना दूं, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा या ये वाला? और रीजन दीजिएगा। अब मुझे बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? सर, सेकंड वाला, बिकॉज़ ऑफ बेंजाइलिक कार्बन पे। एग्जैक्टली, ये चीज कहलाती है थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। देखें, दो कंट्रोल्स होते हैं, एक काइनेटिक कंट्रोल, एक थर्मोडायनेमिक कंट्रोल। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल का मतलब है विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल या विच इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। काइनेटिक कंट्रोल का मतलब है विच रिएक्टेंट या विच क्या कहना चाहिए, रिएक्टिंग साइट इज मोर रिएक्टिव। तो रिएक्टिव तो ये वाला है जो मैं कह रहा था, लेकिन प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी उसकी, प्रोडक्ट का मतलब इंटरमीडिएट। तो बहरहाल रिएक्शन जो है फिर इस तरह नहीं जाएगा, इस तरह जाएगा जिस तरह आपने प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, अगला स्टेप क्या हो सकता है? रिंग क्लोजर का। अब यहाँ पे ना दो मसले हैं, मैंने एक तो रिएक्टिविटी की बात है जो आसान है, एक है स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात। तो हम पहले रिएक्टिविटी की बात करते हैं, उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। मैं इसको छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसको देख सके क्वेश्चन के साथ, कि ए हम ए बनाने, बेसिकली हम ए बना रहे हैं ना, तो मैं इसको तो डिलीट कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, एक बार दोबारा बता दीजिए। मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये वाला कार्बोकैटायन बेंजीन के साथ वाली कार्बन के साथ मौजूद है, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है? बेंजाइलिक पोजीशन पर है, तो ये डीलोकलाइज अच्छा होगा। पहला वाला जो था, अगर वो यहां था तो वो इतना अच्छा डीलोकलाइज नहीं हो रहा, लेकिन ये तो पूरा रिंग इसके साथ मौजूद है, यानी ये पाई बॉन्ड यहां मूव करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर एक दफा यहां आएगा, फिर एक दफा यहां, यानी अल्टरनेट पोजीशन, यानी तीन कार्बन मौजूद है बेंजीन के अंदर जो इसको अपने साथ डीलोकलाइज कर सकते हैं। तो इट इज बेटर एट वो। अच्छा, साइक्लाइज अगर होता है तो मैं पहले साइक्लाइज कर देता हूं। मैं अभी फिलहाल कॉन रोटेशन और डिसरोटेशन की बात नहीं करूंगा, वरना ये दो कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, ठीक है? तो ये हम कर देते हैं। देखिए, ये पाई बॉन्ड यहां अटैक करेगा इस पे, ये हो गई साइक्लाइजेशन, ठीक है? ऐसा होने से प्लस चार्ज जो है वो कहां आ जाएगा, किस पोजीशन पे? इस कार्बन पे। क्या ऐसी है? ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है? डज इट मेक सेंस? दोबारा देख लीजिए, इस कार्बन ने इसके साथ क्लोजर किया, रिंग क्लोजर, यहां प्लस चार्ज आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है? जी सर। अच्छा, अगला मैं एक काम और हाथ कर लेता हूं। मैं इस इनोल को, ये इनोल कहलाता है, इनोल डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन, इसको मैं कीटोन में वापस कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है ना?
ये तो हो सकता है ना, टॉटोमराइज कर गया टॉटोमर, ये भी एक ही बात है। अब देखें टाइटेनियम क्लोराइड में क्लोराइड सोर्स मौजूद है, तो वो क्लोराइड जो है वो इस फॉरन इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगी और यहां क्लोरीन आके जुड़ जाएगा, यानी ये चीज बन जाएगी। मैं अभी फिलहाल स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्किप कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताऊंगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, ये देखिए ये बनी हुई प्रोडक्ट, क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब आपको प्रोडक्ट तो समझ में आ गई है कि बनेगी ये, लेकिन अब इसमें ये है कि हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करनी है, तो अब इस पे बात कर लेते हैं। अब देखें यहां पे ये आपके पास कितने सारे एज बने हुए हैं, यानी ये इनमें से कौन सा ए है हमें ये देखना है, ये कितने हैं, 10। 10 में से हो सकता कोई एक ही आंसर हो, दो हो सकता सारे हो, लेट्स चेक इट आउट। अब इसके लिए बात होगी कौन रोटेशन या डिसरोटेशन की। देखें ये जहन में रहे आपके कि ये लिखा है कि अगर थर्मल कंट्रोल है तो कौन रोटेशन है, फोटो इरेडिएशन है तो डिसरोटेशन है। यहां पे क्या है, थर्मल है या फोटो है, कहीं ना कहीं लिखा होगा सर कौन रोटेटरी लिखा, ये लिखा हुआ बिल्कुल साफ ही लिखा है कौन रोटेशन, ठीक है। मैं समझ रहा था कि ये फोटो इरेडिएशन लिख रहे हैं तो हम वहां से कौन रोटेशन प्रेडिक्ट करते, लेकिन उन्होंने खुद लिख दिया है। अब कौन रोटेशन का मतलब क्या है, सेम साइड, दोनों कार्बन सेम साइड रोटेट करेंगे। अब इधर आ जाए वापिस, ये स्टेप था जब साइक्लाइजेशन हुई थी। अब देखिए यहां पे मैं जरा इसको खोल के लिख दूं, यहां पे एक हाइड्रोजन भी होगा, लाजमी बात है ये, ठीक है ना। अब जब कौन रोटेशन होगी तो मैं अज्यूम कर ले कि मैं इसको क्लॉकवाइज लेके जाता हूं, ठीक है, यानी यूं मैं यूं व्यू कर रहा हूं ऊपर से नीचे, तो जब मैं क्लॉकवाइज लाऊंगा तो ये हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन नीचे जाएगा तो इसके साथ तो फिनाइल लगा हुआ है इस साइड पे, तो फिनाइल भी नीचे जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन और ये फिनाइल दोनों एक साथ नीचे चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपके, मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये एच है, मैं मुझे इसको ये देखे मैं हैश करूंगा, इसको हैश करूंगा, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, इस कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को, दोनों sp2 कार्बन है, तो दोनों ये हाइड्रोजन भी नीचे चला जाएगा, फिनाइल नीचे चला जाएगा, तो यानी ये दोनों सेम फेस पे होंगे, दोनों सिस होंगे आपस में। अच्छा यहां आप सवाल एक कर सकते, मुझे मालूम है आप बोलेंगे कि सर दोनों को बजाय क्लॉकवाइज करने के दोनों को ही एंटी क्लॉक कर दें तो दोनों अबव द प्लेन हो जाएंगे, तब भी सही है, लेकिन हमें एक बात की श्योरिटी हो गई है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला फिनाइल होंगे आपस में सिस, सेम साइड पे होंगे। डू यू एग्री विद दिस, सर ये सेम साइड पे तो होंगे क्योंकि कॉन्रोटेशन है, लेकिन आपने ये रोटेशन किस तरह से की, क्लॉकवाइज वाली एक बार एक्सप्लेन कर। हाँ मैं सर वो क्लॉकवाइज हाँ, का मैं बताता हूँ, वाला नहीं समझ में आया। ओके ओके डोंट वरी, मुझे इसके लिए थोड़ा सा मॉलिक्यूल को दिखाना पड़ेगा यूं करके। अब ये देखें यूं कर रहा हूं मैं लाइक दिस, एक ही बात है ना, मतलब इसको मैंने रोटेट कर दिया मॉलिक्यूल को इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखें मैं इन दोनों को वो करता हूं, मैं इन दोनों को वो कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं कि मैं ये वाली कार्बन जिसको मैं कलर कोड कर देता हूं, ये येलो कलर इज नॉट अ गुड वन फॉर दिस, ये कार्बन और ये वाली कार्बन, जहन में रहे कि हम इन दोनों कार्बन को रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें मैं इसको क्लॉकवाइज कर रहा हूं लाइक दिस, इस वाली कार्बन की बात कर रहा हूं, राइट वाली, मैं इस कार्बन को यूं रोटेट कर रहा हूं और तो इस वाली कार्बन को, दूसरी ब्लू वाली को भी मैं यूं रोटेट कर रहा हूं। अब जब मैं दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा और ये फिनाइल भी नीचे चला जाएगा, बात समझ में आ रही है। दोनों ये तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से नहीं होगा, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, हाँ सॉरी ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो मैं यही कह रहा हूं, देखिए कौन रोटेशन में दोनों की जो मोशन है वो सेम होनी चाहिए, आप दोनों को क्लॉकवाइज कर लें या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज कर लें, ठीक है सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो आप इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज कर लें तो ये दोनों नीचे चले जाएंगे, हाइड्रोजन भी और फिनाइल भी, हमें ये मिल जाएगा। और अगर मैं दोनों को क्लॉकवाइज कर दूंगा तो दोनों ऊपर हो जाएंगे, यानी बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि हाँ मतलब एक चीज कंफर्म्ड है
कि दोनों जो हैं हाइड्रोजन और फिनाइल होंगे एक ही साइड पर, या तो अबव या बिलो, ठीक है? यस सर। ओके चले ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट से वापस इधर आए, हाथ के हाथ देखें, ये हाइड्रोजन पीछे है, ये फिनाइल पीछे है, यानी ये आंसर हो सकता है, यानी ये ए हो सकता है, यस और नो? यस सर। यस सर। व्हाट अबाउट बी सर? ये नहीं हो सकता। नो सर। नो सर। ये भी नहीं हो सकता। सी? नो सर। ये हो सकता है? हो सकता है। यस सर। ये नहीं हो सकता, ठीक है? नो सर। एक्सक्यूज मी सर, इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन का भी प्लेन सेम होना, मतलब दोनों या तो अबव द प्लेन होंगे या बिलो द प्लेन? नहीं नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा, ये बात मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिलहाल आप इस हाइड्रोजन और फिनाइल की बेसिस पे कंपेयर करें, तो मैं बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको मैं वहां लेके जाता हूँ, यहाँ पे एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिए, और यहीं पे हाथ के हाथ, ये मतलब क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है रिएक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने बस ये जो कॉन रोटेशन और दिस रोटेशन का कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना है। हम एक काम ये करते हैं, हम यहीं पे अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि शेप्स क्रॉस का है, ये रहा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है? ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आप मुझे सर, ई भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा। ई वाला, ई कहाँ है? ई भी नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है, ये तो एक्सक्लूड हो गए। अच्छा, ये दो भी एक्सक्लूड हो गए, ये एफ और जे, क्योंकि इसमें तो हमारे पास ये बेंजाइलिक कैटाइन बना था, तो इसलिए हमने डबल बॉन्ड यहां दिखाना ही नहीं है। मतलब ये आपकी जो प्रोडक्ट है आप देख भी सकते हैं कहां गई, ये रही, ये बल्कि ये बनी हुई है, ये यहां पे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और इन्होंने पता नहीं डबल बॉन्ड दिखाया हुआ है, ये देख रहे हैं, ये डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से फिनाइल ना अबव हो सकता है ना बिलो, उसको प्लेन पे होना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी नहीं है। क्या ख्याल है? ठीक है? यस सर। सर, जो आई और जे उसमें उन्होंने दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाया था ना, तो शुरू में दो बॉन्ड्स के दरमियान हमने कहा था ना कि एक अटैक करेगा, इन्होंने उसमें दूसरे का किया। सर, प्रोडक्ट तो ये भी बनेगी ना? नहीं बनेगी ये प्रोडक्ट, बट सर दूसरे से भी अटैक करेंगे तभी पाई बॉन्ड तो टूट जाना। एग्जैक्टली, तब भी पाई बॉन्ड टूट जाना चाहिए, पाई बॉन्ड तो फिर भी नहीं आएगा। फिर ये होता कि अगर अगर वो उधर होता तो हमें क्लोरीन यहाँ लगाना पड़ता इस जगह पे, ठीक है? तो इसलिए ये भी नहीं। अब बचा ही क्या है? ए डी और एफ जी, ए डी एफ जी बचे, ठीक है? अब इसमें से आंसर देख लेते हैं, हो सकता है ये चारों आंसर हो, हो सकता है इनमें से कोई एक आंसर हो। अच्छा चले, ये तय हो गया। अब आते हुए आपने जो कहा क्लोरीन वाली बात पे ना, कि हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया था, लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज भी दिखाएं तब भी चलेगा। अब देखिए कि ये जो क्लोरीन यहां आएगा, ये इंटरमीडिएट जो आपको नजर आ रहा है, ये जो अब जो क्लोरीन है, ये मैं इसको बॉक्स में कर दूं, ये रहा। अब देखें क्लोरीन जो है वो अबव द प्लेन एंट्री देगा या बिलो द प्लेन? इसमें सर अबव द प्लेन। अबव द प्लेन। अब ये सोच लें आप, अबव या बिलो? सर आई गेस बिलो देगा। सर अबव भी तो दे सकता है। अबव या बिलो? तो जवाब ये है कि जी दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद है, यानी क्लोरीन जब क्योंकि ये तो फ्लैट है ना, ये प्लेनर है, अब क्लोरीन अगर आता है तो वो अबव भी हो सकता है और बिलो भी। लेकिन आप इस ग्रुप को देखें गौर से, कौन से वाले को, यहां से आपको सही आंसर मिलेगा, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखें, ये एक बल्की ग्रुप है, जिसकी वजह से क्लोरीन विल प्रीफर टू कम अवे फ्रॉम दिस। अगर क्लोरीन इस ग्रुप से अवे आने आएगा तो फिर वो कहां से आएगा? बिलो, बिलो द, बिलो द, ठीक है? तो अब बिलो आएगा क्योंकि जवाब यहां से मिलेगा, वरना तो बाहर आपको लग रहा है कि दोनों जगह सही है। अब और अगर बिलो आएगा तो मैं ये वाली प्रोडक्ट बना सकता हूं, मैं इसके नीचे बना रहा हूं, ये गौर से देखिएगा, एच हैश सॉरी छोटे मॉलिक्यूल्स हैं यहां, ये इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है? डू यू एग्री कि ये प्रोडक्ट बनेगी?
यस सर 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 अगर हाइड्रोजन और बेंजाइल ग्रुप अबव द प्लेन होगा तब भी क्लोरीन बिलो द प्लेन आएगा. एग्जैक्टली मैं वही बताने वाला था. वेरी गुड. क्योंकि क्लोरीन का ताल्लुक उस हाइड्रोजन या बेंजाइल से नहीं है, उसका ताल्लुक है उसको इस ग्रुप से दूर रहना है, इससे फार रहना है. ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको देखें. इसको तो ये कहाँ करस्पॉन्ड कर रहा है, ये ए ए में ही कर रहा है ना. तो ए ए तो ए तो आंसर कंफर्म हो गया. चले ए तो आंसर कंफर्म हो गया. ठीक है, ए कंफर्म हो गया. यहां देखें पहले ये देखते हैं एफ. एफ में एच और फिनाइल तो बिहाइंड द प्लेन थे, गुड. लेकिन इन्होंने क्लोरीन को अबव कर दिया, यानी उसी फेज से जिस फेज से ये सी और डाइमिथाइल मौजूद है. तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए एफ नहीं बनेगा. सो नाउ वी मे रिमूव द एफ. ठीक है, अब आपको रीजन पता चल गया. अब सर, आ जाए हमें इसमें जी बोले. हमें जो ए प्रोडक्ट है उसमें सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है ना, माइनर नहीं बताना है? नहीं नहीं हाँ, सिर्फ मेजर बताना है. सर ठीक अगर है, हम स्टीरियोकेमिकली देखें तो फिर तो प्रोडक्ट्स तो काफी सारे बन सकते हैं नहीं ना बन वही तो बना रहे हैं जिसमें. काफी सारे हैं. अभी देख ये इतने सारे बनाए तो थे हमने, फिर हम स्टीरियोकेमिकली इसमें से एक्सक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, अब आप ये देखिए, अब आ जाए इस बात पे कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर दें दोनों, तो ये हाइड्रोजन और फिनाइल जो है ये अबव द प्लेन हो जाएंगे. ये वाले यानी रहेंगे तब भी सिस, लेकिन अबव द प्लेन हो जाएंगे. और क्लोरीन को फिर भी पीछे नीचे से आना है, बैक बिहाइंड से. तो उस सूरत में ये वाला आंसर जी बिल्कुल जी होगा, यस सर होगा. जी होगा. और व्हाट अबाउट दिस? नो सर सर, नहीं ये तो होगा, अबव है, ये नहीं अबव द होगा प्लेन सर. नहीं आएगा. ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपके. हमने क्या किया, हमने पहले हाइड्रोजन और फिनाइल को देखा कि वो सेम साइड होने चाहिए, मतलब कौन रोटेशन है तो दोनों सेम साइड रोटेट करेंगे. उसके बाद हमने ये देखा कि जो क्लोरीन है उसकी जो एंट्री है, वो जो कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, वो यकीनन उस फेस से अपोजिट डायरेक्शन में ही करेगा जहां से आपका ये आपका लार्जर ग्रुप मौजूद ना हो. तो हैव यू गॉट दिस? यस सर. अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन एक पूरा डिटेल टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़ा, मैं मानता हूं. लेकिन आपको बस एटलीस्ट इतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पता होगा, कॉन रोटेशन से मतलब है मोशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम डायरेक्शन, और डिस रोटेशन से मतलब है मोशन ऑफ द ऑर्बिटल इन द अपोजिट डायरेक्शन. यानी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉक हो तो कॉन रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज हो और एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो डिस रोटेशन है. ठीक है, अच्छा यहां पर आए वापस, किधर है, सॉरी ये क्वेश्चन खत्म हो गया. ये चूज ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर ए. अब आ जाए इस पे, ये नजर आ रहा है आपको, कंपाउंड टू इज ट्रांसफॉर्म टू दिस 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 दिस. ठीक है, सही है, इसको सॉल्व करें. यस सर. और ये yes, बहुत sir. बहुत आसान है, ये फौरन हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करें, मैं टाइम ज्यादा जाया नहीं करता. ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और दो मिथॉक्सी लगे हुए. आप जानते हैं कि मिथॉक्सी भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है और एल्काइल भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होता है, और दोनों एक्टिवेटिंग, क्या लिखो रहा है ये, और दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं. ज्यादा एक्टिवेटिंग कौन होता है, मिथॉक्सी या ये एल्काइल? मिथॉक्सी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसका मतलब है मिथॉक्सी अपने हिसाब से ओरिएंट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को, ना के आइसोप्रोपाइल. ठीक है ना, ये ज्यादा होता है. अच्छा, ये सीधी सीधी ब्रोमिनेशन है. ये जो कंपाउंड है जिसका नाम होता है NBS है ना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश. इसका नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिन इमाइड. मैं नाम लिख देता हूं, इसको NBS कहते हैं शॉर्ट में, NBS कहते हैं. पूरा नाम इसका होता है एन ब्रोमो सक्सिन इमाइड. ये बेसिकली ब्रोमीन की सोर्स है, BR2 की सोर्स है, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीन की सोर्स है. लेकिन आप
समझ सकते हैं कि अगर हम ये NBS यूज ना करते, डायरेक्टली Br2 यूज कर लेते तो क्या होता? ज्यादा ब्रोमीन आ जाता। वेरी गुड शाबाश, मल्टी पॉलीब्रोमिनेशन हो जाती, एक से ज्यादा ब्रोमीन आ जाते रिंग के ऊपर। तो उसको काबू करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने ब्रोमीन की जो सप्लाई है उसको लिमिट कर दिया है, महदूद कर दिया है। तो Br2 को अगर लिमिट कर, ब्रोमीन सोर्स को अगर लिमिट करना है तो यू विल हैव टू यूज NBS रादर देन Br2 इटसेल्फ। तो अब बताइए जल्दी से, BA स्ट्रक्चर ब्रोमीन कहां लगाया जाए, यहां पे या यहां पे, ऑर्थो पे या पैरा पे, क्या करें मैं, यहां लगाऊं या यहां? सर मिथॉक्सी से ऑर्थो पे। वेरी गुड शाबाश, इसकी वजह यह है अगर मैं यहां लगाऊंगा तो मिथॉक्सी के हिसाब से तो मेटा हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है मिथॉक्सी के रिस्पेक्ट से। हालांकि आइसोप्रोपाइल के रिस्पेक्ट से पैरा होगा, लेकिन हम बात कर चुके हैं मिथॉक्सी डिक्टेट करेगा। तो अब ब्रोमीन या तो यहां लगेगा या यहां लगेगा, तो वो तो एक ही बात है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं एक ही बात है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। ये आपका बी का आंसर है, ठीक है, कितना आसान था। अब बी में ये एनब्यूटाइल लिथियम यूज किया है, तो ये एनब्यूटाइल लिथियम ये ट्रांस मेटेलेशन होगी, यानी ये जो लिथियम है ब्यूटाइल पार्टनर को छोड़ के यहां पे आ जाएगा, इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहां पे लिथियम आ जाएगा, ऑर्थो यानी कि ये एराइल लिथियम कंपाउंड बन जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, ये ठीक है, ये चीज बनेगी जो जो पूछी नहीं है इन्होंने, बी प्लस ब्यूटाइल लिथियम ये बनेगा, फिर ये इस पे अटैक करेगा इस पे, तो ये ऑर्थो से न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा मिथॉक्सी से। तब आप समझ सकते हैं कि ये अगर अटैक करेगा किस पे, इस पे, इस कंपाउंड पे, तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक क्या है जी, पूछिए सर यहाँ पे लिथियम कैसे आया? यहाँ पे लिथियम यहां से आया है, देखें ये जो ऊपर लिखा है ना ब्यूटाइल लिथियम, ये लिखा हुआ है, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑर्थो ये ऑर्गेनोलिथियम इसको कहते हैं। अब ये ट्रांस मेटेलेशन है, यानी एक हायर ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक से हम लेसर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह ट्रांस इस्टरीफिकेशन होता है ना, एक एस्टर से दूसरा एस्टर बनता है, इस तरह ट्रांस मेटेलेशन भी होती है। तो ब्यूटाइल लिथियम से हमने बना लिया एराइल लिथियम, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। तो ये जो ब्रोमीन है ये ब्यूटाइल के साथ कपल करेगा ब्यूटाइल ब्रोमाइड यानी ब्रोमोब्यूटेन, और लिथियम यहां आ जाए, यानी पार्टनर चेंज हुआ है, लिथियम ने अपना पार्टनर ब्यूटाइल से बदल के इस एराइल को ले लिया है, और ये लेस रिएक्टिव है। हमेशा जो ट्रांसमेटेलेशन है उसमें ये होता है मोर रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक से लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक बनता है, वैसे भी लेस रिएक्टिव का मतलब है मोर स्टेबल रिलेटिवली। तो अब ये जो बना है ये ऑर्थोकार्बन मिथॉक्सी की रिस्पेक्ट से ये इंतहाई न्यूक्लियोफिलिक है, इट विल इमीडिएटली अटैक दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन विच इज बीइंग शोन हियर, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल निकल। वेरी गुड शाबाश, क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड है इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल, अगर ये कीटोन होता तो टर्शियरी अल्कोहल बनती, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता तो प्राइमरी अल्कोहल बनती। सारे फैक्ट्स आपको मालूम है, इसलिए हम इसको हम ये सी बना रहे हैं, ये सी है। तो डू यू एग्री दैट दिस इज सी? एनी क्यूरी? नो? अगला डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन, ये सीधी सीधी ऑक्सीडेशन है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है? कीटोन। बस कीटोन, बस बस कीटोन बन जाएगा सीधा सीधा। वैसे भी देखें 32 हाइड्रोजन से 30 हाइड्रोजन हो रहे हैं, यानी 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो वो इसी तरह कम होंगे। ये देखें बस ये डी है आपका, ये डी है। सर ये जो रिएजेंट यूज किया इसको क्या बोलते हैं? डेस मार्टिन रिएजेंट पर आयोडीनेन, ठीक है, इसको इसको डेस मार्टिन रिएजेंट कहते हैं। ये आपका लेक्टोन है यानी साइक्लिक ईस्टर है लेक्टोन, ठीक है, और आयोडीन जो है यहाँ पे पेंटा वैलेंट। आयोडीन आपको पता है मोनो भी होता है, ट्राई भी होता है, पेंटा भी होता है और हेप्टा भी होता है,
ठीक है, आयोडीन जो कि लोअर पीरियड का होता है तो उसमें आप ज्यादा एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो मल्टीपल कर सकता है। तो जहां तक हम डी तक तो पहुंच चुके हैं सेफली, अब रह गया ई, बस खत्म, ई ई बनाना है और उसके बाद ये खत्म, ये वाला पार्ट भी। तो ये इतना मुश्किल नहीं है रिएक्शन, बस वो शुरू में वो स्टीरियो केमिस्ट्री की वजह से टाइम लग गया था, कॉन रोटेशन डिस रोटेशन की वजह से। देखें आपको कुछ ये देखा देखा लग रहा है ये कंपाउंड, ये वाला सॉरी, ये मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, अगर ये सी एफ थ्री नहीं होता, यहां पे मिथाइल होता तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं, मिथाइल एस ओ ओ ओ, यहां तक को मिसाइलेट। वेरी गुड, शाबाश, मिसाइलेट, एम एस कैपिटल एम स्मॉल एस। तो इसी यानी हम मिथाइल सल्फोनेट कहते हैं उसको ना, मिथाइल सल्फोनाइल ग्रुप होता, तो ये हो गया ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनाइल, यानी ये उसी का एनालॉग है। ठीक है, तो बहरहाल अगला आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये क्या करेगा, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, ये आपने डी बनाया हुआ, इसमें ये कहां पे जुड़ सकता है और क्या होगा, तो ये सीधी सी बात है, यहां से होगी साइक्लाइजेशन, यानी ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड क्योंकि एरोमेटिक है इस कार्बन पे अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड यहां मूव करेगा, ये पहले यहां पे हो चुका होगा, यानी ये जो कार्बोनाइल है कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये बेसिकली सिलिकॉन पे अटैक करेगी, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ये कार्बोनाइल एक्टिवेट होगा सिलिकॉन पे अटैक करेगा, यहां से सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि मिसाइलेट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये जो ट्राइफिनाइल ट्राइफ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट है ये भी अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो हमने कार्बोनाइल को एक्टिवेट किया, इसके पास ऊपर आके लग गया सिलिकॉन ट्राइमिथाइल, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये इस पाई बॉन्ड ने यहां से अटैक किया, मैं आपको करके दिखा रहा हूं अटैक, फिर आपको बेहतर समझ में आएगा, ये ई है ना, तो ये ई, ये गौर से देखिएगा, ये यहां अटैक करेगा इधर, अभी ये एरर इसलिए दे रहा है कि अभी हमें इसकी बैलेंसी सही करनी है, बैलेंसी सही नहीं है, मैं जरा इसको यूं कर दूं, ठीक है, अच्छा ये इधर अटैक करेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा और हमें ये मिल जाएगा, ये फॉर द टाइम बीइंग, एग्री, ये साइक्लाइजेशन हो गई है, और वैसे भी आपको यहां से भी क्लू मिल रहा होगा कि देखें इसी तरह साइक्लाइज होगा, और चूंकि इन्होंने हाइड्रोजन और मिथाइल अबव दिखाए हुए हैं, अच्छा हाइड्रोजन इसलिए कि इसको हम मैं इसको टॉटोमराइज कर रहा हूं वापस, ये इनोल था इसका टॉटोमर बनाया तो ये कीटो हो गया, और इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ यकीनन, तो ये हाइड्रोजन को हम बोल्ड कर देने हम, क्योंकि हमें आगे से प्रोडक्टिव अंदाजा हो रहा है, तो ये आपका ये आंसर है ई, ये है ये ई है जी। लाइबा आमिर फ्रॉम कराची, एनी क्वेश्चन, बेसिकली ये भी नेचर ऑफ साइक्लाइजेशन है और ये इसके अंदर भी यही हुआ है कि आपका साइक्लिक कंपाउंड फाइव मेंबर रिंग फॉर्म हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर ए बी सी डी ई, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने यही पूछा था, बी सी डी ई बना दीजिए, खत्म। तो कोई क्वेश्चन है आपका इस क्वेश्चन नंबर जो है प्रॉब्लम नंबर 22 में पहले और दूसरे पार्ट में से, फिर हम ये ऑप्शनल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चन, कौन सा बी या ई, ई ये हाँ हाँ मैं बता देता हूं आपको दोबारा, सुनिएगा गौर से, आवाज आ रही है मेरी क्लियर, पहले ये बताएं। जी सर आ रही है। ओके नाउ लिसन टू मी, डी ये बना हुआ है कार्बोनाइल की ऑक्सीजन, इसने सिलिकॉन पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूट गया सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि ये अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे ओ पे सिलिकॉन और ट्राइमिथाइल आ गया और ओ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, यानी हमने कार्बोनाइल को एक्टिवेट कर लिया जैसे टाइटेनियम क्लोराइड से हुआ था TiCl4 से। अच्छा ये एक अलग काम हुआ है, ये जो है ये वाली कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है इसलिए कि
ये तो इसकी रिस्पेक्ट से पैरा पर, अच्छा आप बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक तो ये भी है और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक तो उसूल की बात है ये वाली है, क्योंकि मिथॉक्सी का ऑर्थो वाली होती है, मेटा वाली नहीं होती है। लेकिन इस कार्बन के पास एडवांटेज क्या है कि ये रिंग क्लोज कर सकती है, ये वाली कार्बन रिंग क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये करेगी तो फिर ये सी एच कहाँ जाएगा, मतलब ये अबव और बिलो भी नहीं हो सकता एरोमेटिक होने की वजह से। तो इसलिए ये कार्बन यहाँ अटैक करेगी तो फाइव मेंबर रिंग बन जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा फॉर द टाइम बींग और ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो हमें इनोल मिलेगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था। तो ये रिंग क्लोजर हो गया। अच्छा ये मिथाइल और हाइड्रोजन अबव होंगे इसलिए कि ये प्रोडक्ट में भी अबव है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा, हालांकि एक और रीजन है इसको एक्सप्लेन करने का। तो ये इस तरह रिंग क्लोज हुआ है विथ हाइड्रोजन एंड मिथाइल बोथ अबव द प्लेन, इट्स अ सर नजर ऑफ साइक्लाइजेशन। जी जी सर, एल्कीन भी तो न्यूक्लियोफिलिक है, वो अटैक कर सकता है या वो नहीं कर सकता? एल्कीन भी कर सकता है अटैक, लेकिन मसला ये है कि एल्कीन किस पर अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा यहाँ ना, जी सर हाँ हाँ कर तो देगा लेकिन यहाँ की एरोमेटिसिटी खराब हो जाएगी। ये देख रही है ये आखिर में क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड सैचुरेट कर गया यहाँ से। आप अगर इस एल्कीन का अटैक इधर दिखाएंगे तो आपको ये सैचुरेट करना पड़ जाएगा ये वाला पोर्शन, और अगर ये सैचुरेट होगा तो ये बैरोमेटिक रिंग की रिंग ही नहीं रहेगा, इसलिए हमने एल्कीन पे अटैक दिखाया, एल्कीन से अटैक नहीं दिखाया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और वैसे भी इसने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है ना कि एडिशन रिएक्शन, और एल्कीन जो होता वो तो एडिशन रिएक्शन करता तो वो अटैक करता भी तो क्या करता, वो इधर कैसे अटैक करता, चले वक्ती तौर पर आप दिखा दें सीसी बॉन्ड और ये इधर मूव करता, लेकिन ना ये अफोर्ड कर सकता है अपनी एरोमेटिसिटी लूज करना ना ये सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, तो ये रिएक्शन हो गई नहीं जो आप कहना चाह रही है। दैट्स ऑल फॉर पार्ट टू पार्ट्स, एंड नाउ लेट्स डिस्कस द ऑप्शनल प्रॉब्लम, ये पढ़ लेते हैं जल्दी से, इसको भी हम करेंगे सॉल्व। फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द एलाइल कैटायन व्हिच कंसिस्ट ऑफ थ्री कार्बन, देखिए एलाइल कैटायन ये होता है ना तीन कार्बन वाला, अच्छा तीन कार्बन है तो और तीनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना, sp2 sp2 sp2, और तीन कार्बन का मतलब है और sp2 का मतलब है तीनों का जो एक एक p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड है, जब भी तो sp2 कह रहे हैं अनहाइब्रिड है तो वो कहाँ है, वो परपेंडिकुलर है इस सिग्मा फ्रेमवर्क के, ठीक है। अच्छा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ये तीनों जो कार्बन है, क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड यहां मूव करेगा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी वन और थ्री पे ही प्लस चार्ज आएगा, टू पर कभी प्लस चार्ज नहीं आएगा। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा दिया कि बीच में डॉटेड 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 करके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। अच्छा चूंकि तीन पाई ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स हैं, तो तीन ही वेव फंक्शन होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा और आप ये भी जानते हैं उसमें से आधे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के होते हैं और आधे एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल के होते हैं। अच्छा अब ये है ऑड नंबर, तो ऑड में तो आधा आधा नहीं बन पाएगा इस तरह, मतलब जाहिर सी बात है आप तीन को डेढ़ डेढ़ तो नहीं कहेंगे ना, तो बहरहाल अभी हम देखते हैं। तो एलाइल कैटायन पे तीन बने ये 5-1 5-2 5-3। अच्छा और यहां से आप इंस्पिरेशन भी ले लेंगे कि होमो लूमो कैसे लिया, मैं बता देता हूं आपको, एलाइल कैटायन है तो इसमें एक पाई बॉन्ड है यानी दो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बस, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां फिल होंगे, लोअर टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहां फिल होंगे, यहां जीरो यहां पे जीरो, तो ये जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल उसको कहते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 5-1 क्या हुआ, होमो हुआ, होमो का मतलब है जब ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करेगा तो इस 5-1 से करेगा। अच्छा ऊपर ये दोनों खाली है, ये भी खाली ये भी खाली, यानी अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड में लोवेस्ट एनर्जी किसकी है, 5-2 की, इसलिए ये लूमो होगा ये लूमो नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा कि होमो और लूमो लोकेट करना आपको आना चाहिए। अच्छा तो ये जब सारी बात आप समझ गए एलाइल कैटाइन से मुतालिक, अब ये कह रहे हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए पेंटा डाइनाइल कैटाइन के लिए और उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए इसी पैटर्न में और उसको होमो लूमो डिसाइड करें। आप सवाल समझ गए, जवाब तो मैं आपको करा ही दूंगा, अभी क्वेश्चन समझ गए ये मुझे बता दें जी स्टूडेंट्स। यस सर, चले सर ये जो होमो में है उसमें मिड में क्यों नहीं बना ऑर्बिटल, होमो में बना तो है
लूमो में, हाँ ये वेरी गुड, ये मैं बताने का इरादा था उस वक्त जब मैं आपको साइक्लोपेंटाडाइनल का टर्न कराता, लेकिन चले अभी ये बता देता हूँ बात। अच्छा आप ये बात समझ गए, मैं दोबारा रिकॉल कर दूं, तीन कार्बन है, तीन पी ऑर्बिटल है, यानी तीन एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो तीन ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो बना दिए 5 1 5 2 5 3। एक बात, टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो वो नीचे फिल किए तो ऊपर खाली, ऊपर और खाली, तो ये वाला होमो हो गया जहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और 2 खालियों में जो जो लोअर एनर्जी का उसको लूमो कह दिया। तो ठीक है, यहां तक बात सारी समझ में आ गई। अच्छा अब एक चीज होती है नोड, नोड का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां पे जीरो हो नहीं हो, तो याद रखें हमेशा जो लीस्ट एनर्जी पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी जीरो नोड होती है। जीरो नोड का मतलब होता है कि तमाम ऑर्बिटल इन फेज है, इन फेज से मतलब है एक ही फेज पर है, यानी ये देख रहे हैं ये इसको आप फील्ड कह लें, उसको एम्प्टी कह लें, तो फील्ड 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 एक साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, और एम्प्टी 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 एक साइड पे आ रहे हैं। ये फील्ड और एम्प्टी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मैक्स यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों लोब्स में बराबर होती है, बीच में नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है फिर, बेसिकली ये बस डिस्टिंग्विश किया है, जो वेव होती है उसमें क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है ना, तो इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया है। बाद बुक्स में प्लस और माइनस से भी कर रहे होते हैं ऑर्बिटल्स को, मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ, शायद यहाँ वहां पे होगा, बल्कि है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो गलत होता है इसलिए यहाँ रखा ही नहीं है। बाद बुक्स में क्या करते हैं, एक पे प्लस लिख देते हैं, एक पे माइनस लिख देते हैं, ऐसे ही फर्क पैदा करने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो इससे ये मतलब लेता है प्लस माइनस से कि माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, क्योंकि एक जगह तो होता है ना ये मतलब वो, लेकिन वो चार्जेस में होता है प्लस माइनस का मतलब। ऑर्बिटल में प्लस माइनस का मतलब होता है कि अबव द प्लेन, यानी कि क्रेस्ट है तो प्लस है और ट्रफ है तो माइनस है, तो उस एम्बिग्यूटी के लिए, एम्बिग्यूटी से बचने के लिए वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, बस आप याद रखें फील्ड और ब्लैंक। अच्छा तो ये जीरो नोड है, देखिए नोड कब आती है, जब फेज चेंज होता है, यहां चेंज नहीं हो रहा, फिल से फिल चला जा रहा है। अच्छा यहां पे फिल के बाद आ रहा है ब्लैंक, तो ये फेज चेंज हो गया, इसलिए यहां पे एक नोड आ गई है, वन नोड ऊपर आए 5 3 में, तो 2 नोड आ रही है, फिल से ब्लैंक फिर दोबारा फिल, तो ये जो बीच में मैं मूव कर रहा हूं ये लाइन और ये लाइन, ये 2 नोड है, तो 5 1 है 0 नोड, 5 2 हैज 1 नोड, 5 3 हैज 2 नोड, 0 1 2। अच्छा अब आपका सवाल था कि सर ये हमने 2 ऑर्बिटल क्यों शो किए जबकि 5 1 और 5 3 में 3 3 ऑर्बिटल शो कर रहे हैं, तो इसका जवाब है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं तीसरा ऑर्बिटल रखूंगा बीच में तो जाहिर सी बात है मैं फील्ड ऊपर रखूंगा या फील्ड नीचे रखूंगा, तो दोनों सूरतों में मेरे पास जो है वो सिमेट्री नहीं आ पाएगी, ठीक है, जबकि ये देखिए ये सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये भी सिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री तो बहुत जरूरी होती है, तो आपको इस वजह से सेंट्रल ऑर्बिटल को सिरे से गायब ही करना पड़ेगा ताकि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। अच्छा अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं इसको कॉपी करता हूं ताकि हम यहां से हेल्प लेते रहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को साइक्लोपेंटाडाइनाइल में रखते वहां आपको और बातें समझ में आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। मैं इसको डिलीट करके यहां इसको पेस्ट कर रहा हूं, हमें इससे हेल्प लेनी है वो ये कह रहे हैं, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन बनाना है। सबसे पहले तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन बनाइए, कैसे बनेगा, 5 मेंबर ड्रिंक बना लें, अल्टरनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, जैसे के फर्ज करें ये दिखा दिया, और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो क्या ख्याल है, यही होगा साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन, ठीक है जी सर। अच्छा यस सर, ओके। इसके बाद एक काम ये करते हैं, ये थोड़ा सा लंबा काम है, यानी ड्रॉ करने के हिसाब से लंबा है वरना छोटा है, मैं ये देखें मैं ऊपर वाले पैटर्न की कॉपी कर रहा हूं। अच्छा मैं ये देखें, ये ऑर्बिटल है, एक पी ऑर्बिटल है जिसमें मैंने ये पैटर्न दिखाया है, तो ये मैं अभी फक 5 1 बना रहा हूं, तो कितने ऑर्बिटल मुझे बनाने चाहिए टोटल पी ऑर्बिटल, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। एलाइल कैटाइल में 3 बनाए थे, तो साइक्लोपेंटाडाइल में कितने बनेंगे, 5, क्योंकि
क्योंकि पांच कार्बन है ना इसलिए, और पांचों मैंने इनफेज दिखा दिए, ठीक है, पांचों मैंने इनफेज दिखा दिए. वेयर इज द करेक्टर मैप, ये रहे. यहां से फाई का सिंबल ढूंढना है हमें, ये रहा मेरे हाल से फाई, आई थिंक ये है, ठीक है. हाँ, इसी पैटर्न में काम कर रहे हैं. ये 5-1 बन गया. इस पे आपको कोई तहफुज आते तो पूछ ले, 5-1 पे. जी स्टूडेंट्स, सर जो फेज ऑर्बिटल्स हैं हम सिर्फ उनको मेंशन करेंगे ना? नहीं, अभी हम पांचों देखें. ये बात तो आप मानते हैं कि एलाइल कैटायन में अगर तीन फाइव थे तो 5-1, 5-2, 5-3 था, तो यहां कितने होंगे? पांच होंगे. यस सर. अच्छा, एक बात. दूसरी बात, वहां पे थोड़ा आसान केस था, लेकिन अगर आपको वो समझ में आ गया था तो आपको ये वाला भी आ जाएगा. मैं काम ये करता हूं, पहले मैं बना लेता हूं पांचों, फिर हम उस पर बहस करते हैं, ठीक है. तो ये 5-2 हो जाएगा. अभी मुझे ऑर्बिटल को चेंज करना है, जहन में रहे, ये अभी ऑर्बिटल चेंज नहीं हुए, मतलब ये अंदर के ऑर्बिटल चेंज होंगे. ये तो मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, बल्कि मैं कॉपी जब कर ही रहा हूँ तो फिर मैं यू कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट टू सेव माई टाइम. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 और फिर 5-5 भी होगा, यानी पांचवा भी फंक्शन ये. अच्छा, अब अंदर के ऑर्बिटल चेंज करना है. ये तो मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, सिर्फ बताने के लिए कि कुछ इस जैसा करीब करीब हम आंसर के. अच्छा, एक बात. दूसरी बात, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर नोड. यहां कितनी नोड थी? 0, 5-1 में, ठीक है. ये मैं अपने पास से ऐड कर रहा हूं. यहां कितनी नोड है? 1 और ऊपर कितनी है? 2 2 ठीक है, ठीक है. अब यही बात हम यहां पे भी लिखेंगे समझने के लिए. ये इस तीनों को कॉपी किया, यहां लिया है नोड. ऊपर वाले में, ऊपर वाले में 3 अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स है ना? जी, सब में 3 है, लेकिन बीच वाले में आपने दिखाया इसलिए नहीं है कि वो सिमेट्री खराब हो रही थी, इसलिए. असल में नो, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं होने चाहिए. बिल्कुल होते हैं, तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसलिए तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. ये देखें, ये सही है, ये हो जाएगा. अच्छा, अभी ये ऐसी है, मैं अभी इसको सही करूंगा. अब देखें, 5-1 में तो 0 नोड है, तो 5-1 तो ठीक है. 5-1 तो मतलब हमने ठीक बनाया. मैं टिक कर रहा हूं यहाँ पे, कहा टिक कर सिंबल. 5-1 तो सही बनाया. अच्छा, अब 5-5 हम सही कर सकते हैं, क्या करें? 4 नोड कैसे हो सकती है? मैं इनमें रिवर्सल करता रहूंगा, मतलब ये सारे फील्ड है ना, मैं इसको अगर इसको वो कर दूं, रिवर्सल कर दूं, यानी इसको रिवर्स कर दूं इस वाले को. ये देखिएगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं. अब सही है, अबव बिलो, अबव बिलो. अब कितने नोड है? आप नोड गिन सकते हैं, मैं नोड भी गिनना आपको गिनना सिखा देता हूं. 4 नोड्स. हाँ, ये देखें, ये देखें, ये जो मैं डॉटेड लाइन दिखा रहा हूं ना, ये यानी ये नोड है. मैं कलर भी चेंज कर देता हूं उसका, रेड कलर. ये देखें, जहां पे फेस चेंज होता है वो वहां पे एक नोड जनरेट होती है. तो ये मैं जो रेड दिखा रहा हूं, ये एक नोड है. कितनी नोड मैंने दिखा दी अब तक? 3. ये ले, एक और दिखा दी, ये हो गए 4. ठीक है, नीचे ये नहीं दिखा सकते थे, यानी 5-1 पे. ठीक है, और इधर भी दिखा देता हूं, चले ऊपर इधर, इनके इनके वाले काम. ये देखें, एक नोड ये है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये एक नोड ये है, और ये दो नोड्स ये भी. ये रेड जो है ये नोड्स हैं. नोड उस वक्त जनरेट होगी जब फेज चेंज होता है, यानी फील्ड से आप ब्लैंक की तरफ जा रहे होते हैं. तो अब देखें, मुझे जो है वो नोड 1 पे दोबारा आ जाए, यानी 5-2 पे. एक नोड में कैसे ला सकता हूं? अब मैं अगर इस ऑर्बिटल को, इस वाले को जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको फ्लिप करूंगा तो 2 नोड आ जाएंगी. ऐसी है ना, क्योंकि इसकी रिस्पेक्ट से एक नोड आ जाएगी, यहां की रिस्पेक्ट से एक नोड आ जाएगी. तो मेरी बात समझ में आ रही है आपके? साइड वाले को फ्लिप कर देंगे, इस वाले को कर दूं तो एक नोड आ जाएगी. वेरी गुड. लेकिन चले मैं करके दिखाता हूं. लेकिन मसला क्या है, एक मिनट रुके, मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो आंसर नहीं है, इसलिए मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ आपको. जो आप कहना चाह रही हैं, यहाँ कर सर, फिर सिमेट्री कैसे होगी? वेरी गुड, शाबाश. मैं यही कहने वाला था, इसीलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ. वो सिमेट्रिकल नहीं बन पाएगा. अब सिमेट्रिकल के लिए क्या करें? मैं बीच से ना
इसको अगर लिंक वाले को हटा देंगे, हटा दूं, इनको फ्लिप कर दूं इन दोनों को, क्योंकि अभी नहीं होगा, अभी भी जीरो नोड है, इस वक्त भी जीरो नोड ही कहलाएगी। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं लाइक दिस, तो अब मेरे पास एक नोड आ गई है बीच में। और जब पूरा हम कर लेंगे ना, फिर आप इसमें एक पैटर्न देख लेंगे, आपको एक सॉरी आपको एक बात इस पर समझ में आ जाएगी, ये अब ये एक नोड आ गई है, तो ये आंसर है फाइ टू, ठीक है, ये नहीं होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आगे देखते हैं, फाइ टू भी सही कर लिया, फाइ थ्री के बारे में क्या ख्याल है, किस तरह टू नोड सेट करूंगा? थर्ड वाले के लेफ्ट और राइट साइड पे। थर्ड कौन सा, लेफ्ट से थर्ड या राइट से? सर एक ही बनता है सर, लेफ्ट वाले से। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, एक ही बनता है, यू आर राइट, यू करते हैं यस सर, तो दोनों तरफ फेस चेंज हो जाएगा फिर। चले ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, चले ठीक है, मैं ये ठीक है, चले वेरी गुड। अच्छा अब आए आगे फाइव फोर, और मैं आप जब तक फाइव फोर सोचे मैं यहाँ पे नोट प्लेस कर दूँ रेड से, ठीक है। अच्छा अजान का मैं ब्रेक दे लूँ, ठीक है, ओके सर, ओके स्टूडेंट्स, तो ये फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री और फाइव फाइव तक हमने सही कर लिया है। अब बताएं फाइव फोर में क्या करें कि तीन नोड आए? सर हमें फिर से दरमियान वाला वो रिमूव करना पड़ेगा जैसे नोट फाइव टू में। अच्छा बस खाली वो रिमूव करेंगे, हल हो गया मसला, ये ले सर उसके फिर सर फिर तो बन सकते हैं ना तीन, अगर हम अल्टरनेटिंग फ्लिप करते हैं। अब क्या करें, मतलब आप कहना चाह रही है मैं इसको इसको फ्लिप कर दूं ऐसा? यस सर, कर दिया, यस सर, और फिर वो फोर्थ वाले को उसको भी करते हैं तो फिर इसको, यस सर, मैं करके दिखा रहा था आपको ऐसा, यस सर, तो तीन नोड्स बन गए ना? बिल्कुल तीन नोड बन गए, वेरी गुड, शाबाश। मैं जरा वेरीफाई भी कर लू तीन नोट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक ये रहा, यस सर, और एक सेंटर में दो, और एक ये रहा तीन, ठीक है, वेरी गुड शाबाश, ये रहा। तो ये हमने साइक्लो पेंटा डाइनाइल कैटाइन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना ली थ्रू फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि नोट्स पर है। तो अगर आपको ये समझ में आ गई है तो इससे अगला मेंबर हो साइक्लो हेप्टा ट्राइनाइल कैटाइन हो, यानी सेवन मेंबर रिंग हो, तीन डबल बॉन्ड्स हो अल्टरनेट और एक पे सी पॉजिटिव चार्ज हो, आप उसकी भी बना सकते हैं। और बल्कि आप छोड़े सेवन मेंबर को, आप इसी में अगर ये एनाइन हो जाए, चले मैं बाद में बताऊंगा, सॉरी एनाइन अभी छोड़े, तो बहरहाल ये समझ में आ गया आपके। अब मुझे बताइए ये इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सर? जी सर, जो आपने सिमेट्री का बताया था वो किस तरह से पता चलता है कि सिमेट्री आ रही है या नहीं? वो तो देखिए अब ये ना असल में पूरी थ्योरी है, मैं थ्योरी को नहीं पढ़ाना चाह रहा था, मैं सिर्फ आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूँ कि जब ऑर्बिटल्स हमें बनाने होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी की तरफ जब जाते हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ नोड्स बढ़ रही होती है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन तो यही होता है तमाम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कि वो इन फेज इंटरेक्ट करते हैं, यानी इनको हम कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप कहते हैं, कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से जीरो नोड आती है। फिर चूंकि एक से ज्यादा पी ऑर्बिटल्स अगर होते हैं ना तो कॉम्बिनेशन पड़ जाते हैं, तो ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं वो हमेशा पहले याद रखा करें, यानी कि या तो सारे कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप होंगे जीरो नोड, या सारे डिस्ट्रक्टिवली ओवरलैप होंगे यानी मैक्सिमम नोड। जितने नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से एक कम कर दें यानी एन माइनस वन, उतनी नोड्स होती हैं। मतलब अगर किसी सिस्टम में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर फर्ज करें दस दस वो हैं पी ऑर्बिटल्स हैं टेन, और वो कॉन्जुगेशन में भी है ये भी शर्त है, तो फिर हमारे पास नाइन नोड्स होंगी इसकी, ठीक है। अच्छा और बाकी जब हम इनको ओरिएंट करते हैं तो सिमेट्रिकल रखते हैं, क्योंकि ये इससे हमें कॉम्बिनेशन मिलते हैं, कंट्रोल कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ठीक है। अब बाकी अगर आपको तफसील पढ़नी है तो देखिए यहाँ इन्होंने नाम लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी, ये पूरी थ्योरी होती है, इसको FMO कहते हैं, FMO, ये पूरी इस पे डेप्थ है, लेकिन हम इसको फिलहाल क्या हमें पढ़ना ही नहीं है बेसिकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो हमारे इस कोर्स का पार्ट नहीं है, और मैं हम इसको सिर्फ रिजल्ट्स को देख रहे हैं। मुझे ये बताइए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर है। अच्छा ये ले, मैंने यहाँ लिख के रखे हुए थे तो मैं टाइम सेव करता हूँ, ये ले फोर। अब इनकी फिलिंग शुरू करते हैं,
एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, तो लोअर एनर्जी से जाते हैं तो 5-1 में दो, 5-2 में दो, ठीक है ऐसी होगा, यानी ये जी सर। ये रहे। बस ऊपर आपके जा नहीं सकता। तो अब बताइए फील्ड ऑर्बिटल्स में 5-1 हाई एनर्जी का या 5-2? 5-2। 5-2 तो इसलिए 5-2 को हम कहेंगे होमो, 5-1 को नहीं कहेंगे, हाईएस्ट अकुपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अनअकुपाइड में 5-3, 5-4, 5-5 है, तो कौन हुआ? लूमो, थर्ड वाला लूमो, थर्ड वाला लूमो हो गया, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी ये जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था हमारे पास ये रहा ऑप्शनल प्रॉब्लम। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ लेक्चर को खत्म करने से पहले। सर आप फिलिंग और होमो और लूमो को असाइन करने का तरीका एक बार बता देंगे दोबारा? दोबारा सुन लिए, दोबारा सुन लिए, कोई इशू नहीं है। देखिए ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो मैंने बता दिया नंबर ऑफ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक बात खत्म हो गई। यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? चार हैं, दो इधर दो इधर, चार हो गए, ये जीरो। तो चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है आपको लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, 5-1 लीस्ट एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो आपने पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए, फिर अगले दो यहाँ रख दिए और खत्म हो गए, बस चार ही थे। तो इसका मतलब है 5-3, 5-4, 5-5 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, 5-1, 5-2 फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। अब जो फील्ड है यानी अकुपाइड है, अकुपाइड में हाईएस्ट कौन है? 5-2। तो इसलिए हम 5-2 को होमो कहेंगे, हाईएस्ट अकुपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और फिर अनअकुपाइड जो है वो लूमो होगा, लूमो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें 5-2 होमो है, 5-3 लूमो है इसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन में। लेकिन आप इस पे आए एलाइल कैटाइन, यहाँ पे 5-1 होमो था और 5-2 लूमो था। तो मकसद कहने का ये है, ये कोई ये आप रट नहीं सकते ये बात कि हमेशा 5-2 होमो होगा या 5-3 लूमो होगा वगैरह वगैरह, ये कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे पता चल जाएगा। ये सारा काम करें साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन के लिए तो क्या होगा? सर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले में आएगा और कहाँ, यानी इससे कहाँ पे फर्क आएगा? फोर्थ वाला आ जाएगा, लूमो फोर्थ वाला हो जाएगा सर, लूमो फोर हो जाएगा, होमो और पहले देखें मेरी बात सुने, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन एनायन हुआ तो? सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, ये सिक्स लिख दिए। तो ये जो इतनी सारी मेहनत से हमने बनाया, इतना टाइम लगाया, ये तो एज इट इज बनेगा यहां तक तो है ना। अच्छा ये टिक कुछ भी नहीं है, ये टिक तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बताया था कि ये मतलब हम जब कॉपी पेस्ट कर रहे थे कि हमने यहां तक काम कर लिया है, ठीक है ये टिक इसका कोई पार्ट नहीं है। तो यहां तक सब कुछ ठीक है, लेकिन सिक्स में इसका मतलब है यहां पे भी दो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इधर, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? तो इसकी वजह से लूमो यहां चला जाएगा और होमो यहां चला जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। Have you got me? Yes, sir. तो आपने देखा किसका मजेदार चीज है ये कि एनायन था तो होमो रेस कर गया और लूमो भी रेस कर गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, अब सुनिएगा मेरी बात गौर से, जो एनायन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं? एनायंस, कार्बन एनायंस, न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। अब देखें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है होमो, तो 5-2 और 5-3 में ज्यादा एनर्जी किसकी है? 5-3 की, yes, sir. और होमो 5-3 में है एनायन के केस में, और कैटायन के केस में होमो 5-2 पे, तो 5-2 ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, ज्यादा एनर्जेटिक है। इसका मतलब है ये स्पीशीज ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हुई, yes, sir. और अब उल्टी बात करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है लूमो, जितना नीचे होगा लूमो उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा, जितना लो एनर्जी पे होगा। 5-3 लोअर एनर्जी पर है, 5-4 हायर एनर्जी पर। तो इस हिसाब से ये वाली स्पीशी इलेक्ट्रोफिलिक अच्छी है और ये न्यूक्लियोफिलिक अच्छी है। हैव यू गॉट मी? यस सर। तो एनी क्यूरी फ्रॉम टुडेस क्वेश्चन? सर ये जो फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और होमो लूमो का जो साइन करना है, ये हम लोग अल्काइनाइल्स में भी यूज करते हैं, तो उसमें भी यही वाला रहेगा, सिर्फ पाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, बिल्कुल यही रहेगा,
एक एक तो थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी, ठीक है। वो बेसिकली वो बेसिक है, मतलब पहले आपको आनी चाहिए इसको सीखने से पहले। अच्छा, वो हमारा मतलब वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आती है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। अच्छा, जब आपको वो पूरी थ्योरी आ जाए अच्छी, जिसके अंदर ये आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस की भी एमओ डायग्राम होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ऑक्सीजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की भी होती है, यानी वो किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड की हो सकती है, जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो आपको सिखाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब आप वो पूरी इस पर कमांड हासिल कर लेना, तो उसका एडवांस वर्जन होता है एफएमओ, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओ थ्योरी, ये है एफएमओ थ्योरी। एफएमओ थ्योरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है, ये इनऑर्गेनिक की नहीं है, ये हमारी फील्ड ऑर्गेनिक की, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड है। एमओ में तो कुछ भी हो सकता है, N2 गैस, O2 गैस वगैरह वगैरह। एफएमओ में बेसिकली कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, यानी कॉन्जुगेटेड जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए, इसकी फाउंडेशन वही है, इसकी बुनियाद वही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इन फेज, आउट ऑफ फेज, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ओवरलैपिंग, होमो, लूमो, सारे कॉन्सेप्ट वही है, और नोड्स का भी वही है। अगर तमाम इन प्लेन है तो जीरो नोड है, तमाम आउट ऑफ प्लेन है तो मैक्सिमम नोड है। लेकिन ये एफएमओ जो है, ये बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होती है, ठीक है। एनी क्यूरी? Excuse me, sir. एक्सक्यूज्ड, पूछिए। सर, जो आपने बताया था कि NBS जो है वो ब्रोमीन की सप्लाई को लिमिटेड कर देता है, वो किस तरह से करता है लिमिटेड? वो लिमिटेड इस तरह करता है, अगर आप सीधा सीधा Br2 लेते ना, तो आपका एरोमेटिक सिस्टम Br पे अटैक करता है, ब्रोमाइड निकाल देता है, फिर ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन तो जाहिर सी बात है लिक्विड है, थोड़ा सा और मौजूद ही होता, आप जितना भी कंट्रोल स्टोइकोमेट्रिकली डाल रहे होते। NBS जो है वो इन सीटू, यानी ड्यूरिंग द रिएक्शन, Br2 जनरेट करता है, ठीक है। तो वो इतना लिमिटेड करता है कि एक करने के बाद दूसरा बचता ही नहीं है, मतलब आप उसको, एक तो एनबीएस भी का मतलब ये नहीं है कि आपने भर के एनबीएस डाल दिया, लेकिन एनबीएस जो है वो ब्रोमीन सोर्स को लिमिट कर देगा, क्योंकि आप इतना ब्रोमीन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक पूरा एनबीएस कंज्यूम होगा एक ब्रोमीन को जनरेट करने के लिए। सर, जो आपने लास्ट टाइम फिनेंथ्रीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने का दिया था, वो आप एक बार बना देंगे? अच्छा, मैं इसको अभी देखते हैं, आज के क्वेश्चन से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन है, ताकि मैं इस वीडियो को स्टॉप करके इसको अपलोड कर सकूं। नो सर। नो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।